नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो कि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर, जिसका करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व किए। बीच में थोड़ा सा मित्रों गले में दिक्कत की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। कोशिश है कि 3-4 दिन में आप ये, कल हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 और 4 दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 2 को सॉल्व कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कि इसमें प्रश्न है मित्रों, 1 जनवरी 2023 से और 1 दिसंबर 2023 तक APS, RO, ARO और UPP के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ? तो सबसे अधिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी, भारत में। किसमें? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया। किस राज्य में पहली बार? ये है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? किसका? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023। तो यह दिया गया है धोरडो, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो पहला संस्करण। किसने किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया, तो पहले संस्करण का उद्घाटन जो कि ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? कौन सा? भारत में रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर कहाँ से? साहिबाबाद की दुहाई डिपो से जोड़ने वाली
साहिबाबाद को कहाँ से जोड़ेगी? तो दुहाई डिपो से। जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? हरी झंडी दिखाई गई। तो ये ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया? कौन सा? चतुर्थ कृषि रोड मैप कब से कब तक? 23 से 28। तो कहाँ से शुभारंभ किया, किसने किया? तो कृषि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये ऑप्शन नंबर सी, बिहार। कहाँ से है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो सही है। दूसरा, APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो कह रहा है कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? कितने? 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? कौन सा? सस्ते पानी की ऊंची कीमत, सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? जो कि यह थे फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के बिजिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? केरल के बिजिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जेन हुआ 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा गोल्ड टीयर, इसका गोल्ड टीयर दर्जा हासिल करने वाला पहला देश, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिस्र, क्या है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया, इसके रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया, तो ये ऑप्शन नंबर डी बांक ने सिटी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की, 2+2 2+2, तो यह ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर ऑफ फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी जर्मनी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली महिला पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए जूही हाथिनी। हाल ही में किस राज्य ने डंफा टाइगर रिजर्व में टाड, कौन सी टाड की नई प्रजाति खोजी गई। डंफा कहाँ पे है, तो डंफा टाइगर रिजर्व जो कि में, ये है ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, क्या है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत की ध्वजवाहक कौन थे। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में ध्वजवाहक कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए पारुल परमार और अमित सरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार
टिलापिया पैरोवे वायरस TIPV किस राज्य में देखा गया? पहली बार TIPV किस राज्य में देखा गया? तो यह ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? यह ऑप्शन नंबर बी 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो यह ऑप्शन नंबर डी सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पुरस्कार पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, तो यह ऑप्शन नंबर बी REC लिमिटेड। क्या है REC लिमिटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फैटिक फाइल्यूरेसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? फाइल्यूरेसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी लाओस। क्या है ऑप्शन नंबर डी लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे शखारो पुरस्कार से सम्मानित किया? सकारो पुरस्कार से सम्मानित किया, सकारो पुरस्कार, तो यह ऑप्शन नंबर बी महिषा अमीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन की पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है इसरो के? यह ऑप्शन नंबर सी एबार्ट मिशन वन या TVD-1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त सेना नौसेनाभ्यास 2023 में भाग लिया? यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना, तो यह ऑप्शन नंबर डी INS सुमेधा। कौन है INS सुमेधा? ब्रिटिश अंटार्कटिक, क्या ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया? किसका? एवियन फ्लू।
पहली बार कहाँ पे ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण, किस क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, कौन सा, तो एवियन फ्लू। तो ये है ब्राउन स्कूबा। तीन, बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन, शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था। तीन, बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, उष्णकटिबंधीय वन, शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ब्रेजा बिले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर एक, केवल एक सही है। इंडिया का कांग्रेस का यह 7वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रोनो नामक एलियूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रोनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। न्यूट्रोनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्या है, चीन। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। पहले नैनो। ये ऑप्शन नंबर सी, गांधी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी स्कूल टीचरों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। क्या, हेरिटेज स्कूल। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया इस्त्रोगुर का निधन हो गया। मिर्सिया इस्त्रोगुर का निधन हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए, मोल्डोवा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। तो ये ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? क्या जीती है स्वर्ण पदक? कहाँ हुआ है? अल्बीनिया की राजधानी तिराना में। क्या अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप? तो ये ऑप्शन नंबर डी, रीतिका हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा क्या रहा है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? इसका आयोजन चीन के होंगाहू में किया गया, तो ये भी सही है। दूसरा, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तीसरा, भारतीय एथलीट सुमित अंतल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर वृक्ष को, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? किस केंद्र प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया, किसे? जूनिपर वृक्ष को। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? द रिजर्व स्विमिंग कोलोनिज्म, द कॉपरेशन, अशोक टंडन सुमेलित है। ब्रेकिंग इन द मोल्ड, रिमेंगिंग इंडिया इकोनॉमिक्स फ्यूचर, रघुराज राजम और लोहित लांबा, ये भी सुमेलित है। नीलाऊ उदीचा सिम्मगल, एस सोमनाथ, ये भी है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स एंड वुमेन्स इट्स आइडियाज ऑफ इंडिया, तो ये इसके लेखक है रितु मेनन। तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, तो ये मिला है DY चंद्रचूड़ को। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कार्तिक एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पर भी इसी नाम से हमारा चैनल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, तो पहला शक्ति मिशन कैफे जो कि यह ऑप्शन नंबर सी, गोंडा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? किसके? नासा के मोक्सी के किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश सुमेलित हैं, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव भी है, रॉबर्ट पीको स्लोकिया के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग ने साल 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, यह सही है। दूसरा, लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को चयन किया गया, तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? कौन सी पहली ग्लोबल स्टॉक सिंथेसिस रिपोर्ट? तो यह है UNFFCCC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तो यह है लद्दाख। अंतिम प्रश्न, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है UIEDFI। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।